नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी के कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। जूली ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को पत्र लिखा है। पत्र में जूली ने दल बदल विरोधी कानून के नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि विधायक कोठारी ने संबंध विधित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भाजपा की सदस्यता ली है, जिससे राजस्थान विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। जूली ने एक्स पर कहा कि भीलवाड़ा शहर में निर्वाचित निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी भाजपा सदस्यता अभियान के अंतर्गत अलोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के सदस्य बने हैं, वह विधि एवं नियमों के विरुद्ध है। किरोड़ीलाल मीणा ने चाहे अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अभी भी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही किरोड़ीलाल मीणा समय समय पर ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं जो उनकी लोकप्रियता को लगातार बढ़ाते रहते हैं। किरोड़ीलाल मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बच्चों को बजाने वाले बाजे का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस वीडियो की जमकर तारीफ हो रही है। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीती रात शुरू हुई बूंदाबांदी का दौर आज अल सुबह झमाझम बारिश के रूप में बदल गया। सुबह 5 बजे से शुरू हुई बारिश के चलते राजधानी जयपुर में हालात बिगड़ते ही गए। करीब 3 घंटे की हुई बारिश के चलते जयपुर में जगह जगह पानी भरने की समस्या का सामना करना पड़ा। जयपुर के साथ ही अन्य जिलों में भी जोरदार बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन मानसून सक्रिय रहने तथा ज्यादातर भागों में मध्यम व कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता सचिन पायलट का 47वां जन्मदिन उनके समर्थकों ने धूमधाम से मनाया। पायलट के जन्मदिन के मौके पर प्रदेश भर में कई आयोजन किए गए। सचिन पायलट के समर्थकों ने उनका जन्मदिन गो सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर झालावाड़ की श्री कृष्ण गौशाला में भी अनूठा आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य संगठनों के लोगों ने मिलकर 1100 गायों को अपने हाथ से 56 भोग खिलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के पलोड़ा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को मत जिताना, नहीं तो जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी सरकार बनेगी, ये जम्मू कश्मीर के लोग तय करेंगे। कोलकाता कांड को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। बता दें कि ट्रेनी महिला डॉक्टर के बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सवालों के घेरे में। घोष पर अब वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भी फंसे हुए। पूर्व प्रिंसिपल सीबीआई के बाद अब ईडी की जांच के घेरे में। ईडी अब घोष के आलिशान बंगले की जांच में जुटी और सबूत जुटा रही है। गणेश चतुर्थी के दिन डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मोती डोंगरी गणेश मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मोती डोंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश ने पूजा अर्चना करवाई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने शनिवार को स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रदेश के चिकित्सा तंत्र को मजबूत करने के साथ ही बारिश के मौसम में बढ़ रही बीमारियों को निपटने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीटिंग में चिकित्सा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के मौके पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे नीतिगत प्रयासों में कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ माह के नाम मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित करने में सक्रिय रूप से क्रियाशील है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए 17 पेपर लीक मामलों का जिक्र सीएम भजन लाल शर्मा समय समय पर करते रहते हैं। कई बार वह बोल चुके हैं कि छोटी मछलियां पकड़ ली गई हैं, अब बड़े मगरमच्छों की बारी है। लेकिन इस बार सीएम भजन लाल शर्मा ने बिना नाम लिए पहली बार पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भरे मन से लिया है। सीएम ने कहा है कि छोटी मछलियां पकड़ी जा चुकी हैं और जो लोग बंसी वाले पर उंगली उठा रहे हैं उनकी बारी जल्द आएगी। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।